काश वो पेन मुझे मिल जाए। बस वो देखो भैया सुनिए, इसका सेट कहाँ चला गया यार? कितनी जल्दी बिक गया, अभी परसों ही तो देख के गई हूँ। जाके पूछना पड़ेगा, कहाँ जाके मुझे पूछना पड़ेगा। अमन में यूज कर सकते हैं? टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपकी बातें अच्छी लगती हैं। ये सब उस दिन नहीं था, 150 हो गया ऑफर के बाद है। अच्छा, ऑफर कब तक है यहाँ पे? 16 तारीख। अच्छा, परसों तक बस। इसके कितने पीस है भाई? इसके आपको मिलेगा उसमें बॉक्स में 3 का पीस मिलता है। सिर्फ 3 है? और भी सेट होने चाहिए ना। मैम कल लूट गया इधर से। लूट गया? कितने का पीस था ये? 3 का पीस आता है इसमें। अभी कितने का है इसका प्राइस? कितने का है? 3 पीस क्या करेंगे हम? ये भी डब्बे हैं, ज्यादा पीस में है ही नहीं है। अभी स्टॉक आ ही रहा है ना, जो मैं बताया आपको। हाँ, ये होगा, नहीं मिल पाएगा, वही बोलेंगे 229 का मिलेगा। ये 249 रुपए का मिलेगा। दो पीस है? नहीं, इसके दो पीस नहीं है, 250 का है। बड़ी हल्ली सामान बिक रहा है। बड़े होंगे 2 पीस, छोटे होंगे 4 होंगे, 2 ही पीस है, बड़े नहीं। अच्छा, आधा किलो का है ना? ठीक है, चेक कीजिए। तो हाँ जी, मैं फिर से आ गई थी स्मार्ट बाज़ार, और आज स्पेशली मैं अपनी शॉपिंग के लिए आई थी। तो फर्स्ट डे तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आई थी, लेकिन आज मुझे अपनी किचन के लिए काफ़ी सारे सामान खरीदने थे। तो उस दिन मैं तो काफ़ी ज़्यादा बिजी थी वीडियो बनाने में, और मैंने सच में सामान को ठीक तरीके से देखा भी नहीं था। तो यहाँ पर मुझे कुछ कंटेनर पसंद आए, लेकिन बस देखते ही देखते वो मेरे आँखों के सामने से निकल गए थे। ये वाला आइसक्रीम खाने का, जो ये हम कभी नहीं खाते, तो इसमें प्राइस नहीं लिखा है। 545? नहीं, 6 पीसेस। डिस्काउंट होगा कि? कोई डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट है? नहीं है। 199? 200 का है जी मैम, 6 पीस जी। अच्छा, MRP है मैम 545। डिजाइन सेम है? 2 सेट ले पक्का? नहीं, एक ही ले। नहीं नहीं, दो, लेकिन करेंगे क्या? दो आ? दे दो भाई, दो पीस दे दो, मिलेगी कहाँ जल्दी। ये तो कुल्हड़ है। हाँ, यहाँ पे था, ये है, ये डब्बा इसका 800 दिखा रहा है। 50% है इस पे? इसका और भी कलर है? नहीं, ये ग्रीन दिख रहा है इसका। अच्छा, कर लीजिए। MRP तो कितना अच्छा, 17 दिखा रहा है MRP। कितने का है ये? 700 रुपये आफ्टर डिस्काउंट। 1365 रुपये। अच्छा, डिस्काउंट के बाद खोल के दिखाइए। टूटेगा नहीं, बहुत छोटा छोटा है ये। इतना इजीली नहीं टूटेगा।
क्या भैया इसका बड़ा साइज भी आता है? नहीं बड़ा तो नहीं आता। नहीं एक साथ में लगे तो 12 पकड़े जरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगभग मेरी शॉपिंग डन हो चुकी थी और कई घंटे से मैं यहाँ पर सामान देख रही थी। बहुत सारी चीज़ें मिल गई, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मिली, लेकिन अभी मुझे थोड़ा बहुत और भी कुछ देखना था। तो आज यहाँ पर मुझे कई लोग मिले और उन्होंने बताया कि मेरी वीडियोस को देखकर वो यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी वीडियोज़ उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती, मेरी बातें उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप इतने शौक़ से मेरी बातों को सुनते हैं, मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी आपको मोटिवेट करती रहूँगी, क्योंकि मेरा जो मकसद है ना वो सिर्फ यही है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ, खासकर लड़कियों को मोटिवेट करूँ, ताकि वो अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलें और खुश रहें। तो यहाँ पर मैं बिलिंग करा रही थी, तो एक लड़की ना यहाँ पर बोली कि अगर आपकी शॉपिंग 1000 की है तो आप बाहर से जाके ये कूपन ले लें तो आपका 100 का छूट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी शॉपिंग और करती ना तो मुझे 3 कूपन मिल सकते थे, तो उसकी वजह से मेरा यहाँ पे 200 कम हो गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसीलिए मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शॉपिंग हो गई थी और अभी शाम के 7 बज चुके थे, तो मैं तकरीबन 4 के करीब आई थी और 3 से 4 घंटा यहाँ पे मेरा निकल गया और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। क्योंकि जब भी मैं शॉपिंग करने लगती हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है शॉपिंग करना, खासकर घर के सारे सामान उसकी शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं इतना ज़्यादा उसमें बिज़ी हो जाती हूँ ना कि मुझे टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो आज मैंने सोचा था कि मम्मी को और सारे बच्चों को ला के यहाँ पर घुमा दूँगी, क्योंकि 15 अगस्त जब आता है ना तो काफ़ी सारा डेकोरेशन यहाँ पे हुआ रहता है। हालांकि आज मुझे खास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लाइटिंग वगैरह होती ना तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं बहुत थक गई थी, इतना थक गई थी ना कि मेरा चूरमा बन गया था और दोबारा आने की मेरी यहाँ पर कोई हिम्मत नहीं थी। तो अभी सीधा घर जाएंगे, तो अमानत की डिमांड थी कि मम्मा नानू घर चलो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, सीधा घर चलेंगे। और वैसे भी असर की नमाज़ कज़ा हो गई थी, तो घर पहुँचते हैं और फिर असर की नमाज़ कज़ा पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो हो गया था नेक्स्ट डे, यानी कि आज है 15 अगस्त। तो अभी मुझे स्पेंसर भी आना था, यानी कि विनायक मॉल भी आना था, और यहाँ पर प्यारा सा झंडा लगा था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था दिखने में। तो इस तरफ आई तो मुझे ये दिखा और ये बहुत ही प्यारा लगता है, और इसमें आप कैंडल रखे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास ना इसका 3 का सेट है और यहाँ पर ये 5 का सेट था, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और 2 पीस में था। बाकी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, तकरीबन 10 से 15 मिनट, क्योंकि मैं अपना सोच के आई थी कि मुझे स्पेंसर जाना है और वहाँ पर जो भी काम की चीज़ें होंगी उसको लेना है, और ख़ासकर यहाँ पर मैं चॉपिंग बोर्ड लेने आई थी। ये बताओ ये गिरेगा टूट जाएगा? नहीं मैम। वो तो बोले टूट जाएगा। कौन बोला? बोले प्लास्टिक है, उनको कोई आइडिया ही नहीं है। अच्छा गिरा के दिखा रहे हैं आपको? कोई फाइबर है। क्या अभी क्या प्राइस इसका? 300? इसका 349 पड़ेगा, उसे इसकी MRP है 540, तो 200 ऑफ है। तो स्पेंसर में मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, क्योंकि वही पुरानी चीज़ों पे ऑफ़र थे और ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पर स्मार्ट बाज़ार में आ गई, और सच बताऊँ इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया ना कि लगता है कि बार बार यहाँ पे आऊँ, और बहुत प्यारे प्यारे से सामान मुझे यहाँ पे दिख रहे थे। तो आज ना मुझे यहाँ से छोटा मोटा सा सामान लेना था, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी। तो ये वाला बॉक्स मुझे पसंद आया था, तो लेकिन एक सेट ना एक ही कलर में था और मुझे अमान अमानत के लिए लेना था, तो मैं सोच रही थी कि दोनों अलग अलग कलर हो जाएं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, तभी मुझे ना एक पीस और दिखा और उसको देखते ही मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि दोनों का कलर अलग अलग था। क्योंकि अगर आप सेमिलर चीज़ें ले लेते हैं ना तो बच्चों में बहुत लड़ाई होती है, सेम कलर होता है तो पहचान भी नहीं पाते हैं और इस तरीके से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं सोच रही थी अलग अलग कलर ले लूँ। तो ये वाली जो प्लेट है ना लीफ शेप में थी, तो ये उस दिन नहीं थी लेकिन आज अभी यहाँ पर रखी हुई थी। लगभग 500 का पड़ेगा जी। अच्छा ये लगभग 500 का हो गया। एक एक पीस कितने का पड़ा है? 109 रुपये। 100? हाँ मान लो 110 मान लिए। ये जोड़ना, ये जोड़िए कितने का हुआ? 4 है आपका।
500 रुपये। तो पता है जब मैं यहाँ पर शॉपिंग कर चुकी तो मैंने भैया से पैसे जुड़वाया, तो उन्होंने जितना जोड़ के बताया उसमें से मेरा 100 रुपीज़ कम पड़ा था। तो मैं यहाँ पर बिलिंग करा रही थी तो मैं सोच रही थी इसमें से क्या चीज़ मैं निकालूँ। तो सच में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि कोई सामान इसमें से मैं माइनस करूँ, लेकिन सडन मुझे याद आता है कि 1000 पे 100 रुपीज़ का कूपन मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं छोड़ के गई सामान और वहाँ से कूपन लेकर आई, तो मुझे बेहद खुशी हुई क्योंकि छोटी मोटी जो अमाउंट होती है ना, जब आप इस तरीके से बिलिंग कराते हो ना तो वो काम आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो 100 रुपये माइनस हुए भी और पता नहीं कहाँ से 100 रुपये और मेरे बच गए, तो शायद भैया ने थोड़ा सा ज़्यादा ही जोड़ के बता दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग डन हो चुकी थी और मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि अगर उस लड़की ने नहीं बताया होता ना तो तकरीबन 400 से 500 रुपये मेरे माइनस नहीं होते। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें ना लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं ना लोगों को पता नहीं चलेगा। और आपको लग रहा होगा कि छोटा सा अमाउंट है उसके बारे में इतना बता रही, लेकिन सच में जब आप मॉल में आके खड़े होते हैं ना तो एक एक रुपये की कीमत होती है, क्योंकि अगर आपका एक रुपये भी ख़त्म हो गया ना तो फिर वहाँ पर आपको अपना सामान हटाना पड़ेगा, वो एक रुपये आपको देना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए बहुत खुशी हुई थी मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पेन भी मुझे मिल गया था जो मैं अभी फर्स्ट डे गई 14 को गई थी, तो स्पेशली मैं इसको लेने गई थी और ये मुझे उस दिन नहीं मिला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल गया था और 200 में मिल गया था और इसका प्राइस तकरीबन 450 था। और ये वाले डब्बे भी काफ़ी अच्छे थे और इसका प्राइस था 250 और इसमें भी काफ़ी अच्छा ऑफ था। आई थिंक ये 150 का मिल गया था या 120 का मिल गया था। और ये प्लेट तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगी। तो ये 4 ही पीस थी और मैंने इसको जो है ले लिया था और मैं खड़ी थी वहाँ पे पैसे जुड़वा रही थी, तो एक आंटी आके बोलती हैं मुझे दीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं ये बिक चुका है। तो पहले दिन जब मैं गई थी ना और वो कंटेनर मैं देख रही थी, मेरी आँखों के सामने से वो निकल गया, हालाँकि मुझे उसको लेना था। तो आज मैंने उनको पहले ही बोल दिया कि आंटी ये बिक चुका है। तो फ़िलहाल ये था 327 का और यहाँ पर एक ख़रीदने में आपको 2 फ्री मिल रहे थे, तो तकरीबन ये 109-10 इस तरीके से पड़ा है। तो आप इसमें कबाब रख सकते हैं और सैलड रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत नाजुक है, बहुत संभालना भी पड़ेगा इसको। तो जितने भी मैं सामान लेकर आई हूँ ना सब हैंड वॉश करना है, कोई भी बर्तन हम डिश वॉशर में नहीं डाल सकते। तो ऐसे अच्छे अच्छे जब बर्तन ख़रीदते हैं ना तो उसकी हिफाज़त भी करनी पड़ती है। और ये था सूप केस, तो ये बहुत सस्ता मिल गया और ये तकरीबन 19 रुपए का मिल गया, तो मैंने 3 पीस ले लिया था और बहुत, लेकिन इसका प्लास्टिक जो है हल्का था। और ये ट्रे मुझे बहुत अच्छी लगी, तो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे शेयर किया था, मैंने स्पेंसर से ख़रीदा था ब्लैक कलर की ट्रे, 4 पीस मैंने ख़रीदा था, लेकिन मुझसे गलती क्या हो गई कि जितने सारे मैं बर्तन लेकर आई थी ना सब मैंने डिश वॉशर में वॉश कर दिया था, जिसकी वजह से सब बहुत जल्दी टूट गए। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन सारे बर्तनों को मुझे बहुत अच्छे से रखना है और इसको हैंड वॉश ही करना है। तो 4 पीस मैंने ले लिया था और बहुत खूबसूरत लग रहा था और ये भी काफ़ी सस्ता था, आई थिंक 500 में ये चारों ही मुझे मिल गए थे। और ये चॉपिंग बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए 1000 बार अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा होगा ग्रॉसरी शॉपिंग करते हुए मैं इसको देख रही थी और मैंने कहा था कि जब भी इसमें ऑफ़र आएगा मैं इसको इंशाल्लाह लूँगी, तो इसमें जो है 200 मुझे ऑफ मिल गया था। तो ये था 540 का। तो किसी ने मुझसे कहा कि टूट जाएगा मत लीजिए, तो वही मैं उनको बोल रही थी कि टूट जाएगा, तो उन्होंने मेरे सामने इसको उठा के फेंका और कहा कि आप खुद देख सकती हैं नहीं टूटेगा। तो हालांकि स्क्रैच पड़ने का भी डर है, देखते हैं। और वाइट कलर में मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था और यहाँ पर ये सारी कटोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मुझे लगी। तो इसको कह रहे थे कि नहीं मिल पाएगी, तो मैं गई थी नीचे इसको चेक कराने, तो इसका प्राइस था तकरीबन 80 रुपीज़, लेकिन ये मुझे मिल गई थी 39 के, यानी कि 40 रुपए की एक कटोरी मुझे पड़ी, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही थी। तो इस वजह से मैंने तकरीबन 20 पीस ले लिया है। तो ये नॉर्मल कटोरी से थोड़ा छोटी ही है, समटाइम हम कुछ रेसिपी वगैरह बनाते रहते हैं तो उसके लिए मुझे अलग अलग कटोरियों में सारे मसाले को सेपरेटली निकालना पड़ता है, तो उसके लिए ठीक है। और मुझे इसकी क्वालिटी बहुत पसंद आई।
और वो जो कंटेनर मैंने देखे थे ना स्क्वायर शेप में या सर्कल शेप में, वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन बस मैं इसको ही देखने में बिज़ी थी और पता नहीं कौन इतनी जल्दी से निकाल के लेके चला गया ना, बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो सामान तो वहाँ पे लूट रहे थे, सच में यकीन मानिए इतने अच्छे अच्छे मुझे ऑफ़र कभी मिले ही नहीं जितना वहाँ पर आज मुझे मिल गए। तो ग्रॉसरी का तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन ये सारे किचन के जो सामान थे ना वो बेहद सस्ते मुझे मिले। और ये कटोरी ना, जब मैंने इसको देखा ना, तो ना ही मुझे यकीन आ रहा था और ना ही अमानत को यकीन आ रहा था, क्योंकि इसका प्राइस तकरीबन 550 था, लेकिन ये मुझे सिर्फ 200 में मिल गई। तो संजीव कपूर, इनको तो आप जानते होंगे, बहुत बड़े शेफ़ हैं। तो इस बीच जितने भी मैं बर्तन लेकर आई ना, सब इनके ही ब्रांड का है, तो यूज़ करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन ये कटोरियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, सचमुच इतनी प्यारी डिज़ाइन थी ना, और 200 रुपए में तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इतनी सस्ती मिल रही तो दो सेट ले लेते हैं, तो देखते हैं किस चीज़ में यूज़ करते हैं। लेकिन फ़िलहाल सामान इतने प्यारे प्यारे दिख जाते हैं ना, कंट्रोल ही नहीं होता है। तो जितनी शौकीन मैं हूँ ना सामानों के बारे में, उतना ही मेरा एक बीच वाला भाई है अलाउद्दीन साहब, उनको भी सामान बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर जो प्यारे प्यारे सामान होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो कभी कभी मुझसे अमानत कहती है कि आप और मामू एक ही तरह हो, मतलब आपको भी अच्छी चीज़ें पसंद हैं, उनको भी अच्छी चीज़ें पसंद हैं। तो सच में वो कभी बर्तन लाता है ना, तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लाता है, उसके जितने भी सामान होते हैं ना, सब बहुत अच्छे, बहुत यूनिक पीस होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जो मैंने सोचा था, जो मैंने काफ़ी टाइम से सोच के रखा था, सब मुझे मिल गया था। खासकर ये पैन, ग्रिल पैन, इसके पहले मैं लेकर आई थी, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा साइज़ में था, तो ये जैसा मैं चाहती थी वैसा ही था, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा था, यानी कि 1750 रुपये का था। तो पहले जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि 799 मेंशन है, तो ये 400 तक मिल जाएगा, लेकिन जब मैंने इसको उठा के देखा ना, तो काफ़ी ज़्यादा भारी था। और इसका जो प्राइस था ना, वो ठीक था, क्योंकि बर्तन जब आपके अच्छे होते हैं ना, तो आपको उसका प्राइस भी ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। तो ये मुझे 800 में मिल गया था, और काफ़ी टाइम से इसकी मुझे तलाश थी। और इसके पहले जो मैंने लिया था वो ऑमलेट बनाने लायक है, लेकिन अगर उसमें चिकन वगैरह भी बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नीचे जलने का डर रहता है, क्योंकि जब बर्तन आपके हल्के होते हैं तो कोई भी आप खाना बनाते हैं ना, तो बहुत जल्दी से जल जाते हैं। और उसमें भी अगर जो है हम ब्रेड वगैरह 4 पीस रखते हैं तो अच्छे से नहीं आ पाता, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और इस वजह से मैं इसको लेना चाह रही थी। और ये वाला बर्तन, इसका भी काफ़ी दिनों से मुझे वेट था, और बस मैं ऑफ़र का इंतज़ार कर रही थी। तो अपम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं इसमें इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें ट्राई करूँगी। और ये भी मुझे जो है महंगा लगा, क्योंकि जो वहाँ पे प्राइस मेंशन था ना, वो डिस्काउंट के बाद मेंशन था, लेकिन मुझे लगा ना कि अभी और डिस्काउंट होगा, तो ये था तकरीबन 1370 का, तो ये शायद 700-750 का मिल गया था, तो ये भी काम की चीज़ है। तो थोड़ा सा ये मुझे छोटा साइज़ लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप बहुत बड़ा साइज़ लेंगी तो आपकी जो आँच होती है ना चूल्हे की, वो ठीक तरीके से इस पर नहीं आ पाएगी। तो मुझे भी लगा कि सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब आपका बर्तन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो सही तरीके से चूल्हे की आँच लग नहीं पाती, तो ये मीडियम साइज़ था तो ठीक था। लेकिन इसके पहले मैंने स्पेंसर में देखा था, और मैं वेट कर रही थी कि ऑफ़र आया तो उसको लूँ, तो वो थोड़ा सा ना कढ़ाई शेप में था, लेकिन ये भी अच्छा हैंडल है, पकड़ने में आसानी होगी। तो देखते हैं इसमें क्या बनाते हैं, तो जब भी इंशाल्लाह बनाएंगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी मेरी शॉपिंग थी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ऐसे ही जब भी ऑफ़र आते हैं, खासकर 15 अगस्त में या फिर 26 जनवरी को, तो मैं शॉपिंग करती हूँ, और किचन की जितनी भी शॉपिंग होती है ना, मैं ऐसे ऑफ़र में ही करती हूँ। तो आप लोग अपने मंथ का बजट बनाते होंगे, लेकिन मैं पूरे अपने साल का बजट बना के चलती हूँ, और पूरा ध्यान रखती हूँ कि मुझे कब क्या चीज़ ख़रीदनी है। और जब आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सामान खरीदते हैं, खासकर जब ऑफ़र आते हैं उसमें आप फ़ायदा उठाते हैं, तो आपको सामान भी मिल जाता है और काफ़ी सारा आपका फ़ायदा भी होता है। तो इसी तरीके से मैं शॉपिंग करती हूँ, जब भी ऑफ़र आता है सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेती रहती हूँ जा के टाइम टाइम पे, और उसके बाद में मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। तो बीच में कभी भी मैं फ्रेश में कोई भी सामान कोशिश करती हूँ कि ना खरीदूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आपको ज़्यादा प्राइस देना पड़ा और वही चीज़ आपको ऑफ़र में कम प्राइस में मिल जाएगी, तो ज़्यादा समझदारी इसी में होती है कि आप ऑफ़र का इंतज़ार करें और ऑफ़र
के टाइम ही जाके शॉपिंग करें। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी।